यक्ष प्रश्न, कौन हूँ मैं? युधिष्ठिर उत्तर, तुम न शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। टिप्पणी, व्यक्ति को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ? क्या शरीर हूँ जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा? क्या आँख, नाक, कान आदि पांचों इंद्रियां हूँ जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे? तब क्या मैं मन या बुद्धि हूँ, अर्थात मैं जो सोचता हूँ या सोच रहा हूँ क्या वह हूँ? तब मैं क्या हूँ? व्यक्ति खुद आँख बंद करके इस पर बोध करे तो उसे समझ में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा, चेतना और सर्वसाक्षी हूँ। ऐसा एक बार के आँख बंद करने से नहीं होगा। यक्ष प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। टिप्पणी, बहुत से लोगों का उद्देश्य धन कमाना हो सकता है। धन से बाहर की समृद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान से भीतर की समृद्धि प्राप्त होती है। मरने के बाद बाहर की समृद्धि यहीं रखी रह जाएगी, लेकिन भीतर की समृद्धि आपके साथ जाएगी। महर्षि पतंजलि ने मोक्ष तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां बता रखी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ध्यान के बाद समाधि या मोक्ष स्वतः ही प्राप्त होता है। यक्ष प्रश्न, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल यही जन्म का कारण है। टिप्पणी, जन्म लेना और मरना एक आदत है। इस आदत से छुटकारा पाने का उपाय उपनिषद, योग और गीता में पाया जाता है। वासनाएं और कामनाएं अनंत होती है। जब तक यह रहेगी तब तक कर्म बंधन होता रहेगा और उसका फल भी मिलता रहेगा। इस चक्र को तोड़ने वाला ही जितेंद्रिय कहलाता है। यक्ष प्रश्न, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। टिप्पण, मैं कौन हूँ और मेरा असली स्वरूप क्या है? इस सत्य को जानने वाला ही जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह जानने के लिए अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। यक्ष प्रश्न, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म। यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। टिप्पणी, वासना का अर्थ व्यापक है। यह चित्त की एक दशा है। हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। उसी तरह हम जिस तरह की चेतना के स्तर को निर्मित करते हैं अगले जन्म में उसी तरह की चेतना के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक कुत्ते के होश का स्तर हमारे होश के स्तर से नीचे है, लेकिन यदि हम एक बोतल शराब पी ले तो हमारे होश का स्तर उस कुत्ते के समान ही हो जाएगा। संभोग के लिए आतुर व्यक्ति के होश का स्तर भी वैसा ही होता है। यक्ष प्रश्न, संसार में डक क्यों है? युधिष्ठिर उत्तर, संसार के डक का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। टिप्पणी, लालच का कोई अंत नहीं, स्वार्थी का कोई मित्र नहीं और भयभीत व्यक्ति का कोई जीवन नहीं। भय से ही सभी तरह के मानसिक विकारों का जन्म होता है। कई दफे लालच मौत का कारण भी बन जाता है। लालच को बुरी बला कहा गया है। लालची व्यक्ति का लालच बढ़ता ही जाता है और वह अपन लालच के कारण ही दुखी रहता है। स्वार्थी व्यक्ति तो सर्वत्र पाए जाते हैं। स्वार्थी आदमी स्वयं का उल्लू सीधा करने के लिए किसी की भी जान को भी दांव पर लगा सकते हैं। स्वार्थी के मन में ईर्ष्या प्रधान गुण होता है। दोस्तों, यक्ष के अभी काफी प्रश्न बाकी है जो हम अगली वीडियो में जानेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।